Assalamualaikum, good morning, rise and shine and a very warm welcome to all of you. आप सबको आज के प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ में खुश आमदीद कहते हैं. मैं हूँ आपके साथ राफ़िया असलम जनाब. और आखिरी महीना इस साल का जो है वो शुरुआत उसकी हो गई है. आज 1 दिसंबर है और चूंकि आखिरी महीना है तो आखिरी महीने में मोस्टली क्या हो रहा होता है कि हम पिछले पूरा साल जो हमने गुजारा होता है, वट यू एक्चुअली यू शुड डू कि आप पूरे उस साल पर रिफ्लेक्ट करें कि आपने क्या चीज़ें की हैं, क्या करने वाली हैं. दैट्स आर एक्चुअली आई डू, मैं भी यही कर रही होती हूँ. पिछला भी पूरा साल जो जिस तरह से गुजरा उसमें कुछ चीज़ें जो कि आपने प्लान आउट की होती हैं कि अच्छा इस तरह से मामलात करने, ये काम करने, अच्छा कुछ पूरे हो जाते हैं, कुछ नहीं पूरे होते. जो तो पूरे हो जाते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन जो नहीं हुए तो यू कीप दम फॉर द नेक्स्ट. सो ये बेसिकली रिफ्लेक्शन का महीना है. इस महीने में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें पिछले पूरे साल की तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं. कोविड जो है आते आते कोविड-19 वो कम हुआ, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अजीब चीज़ें भी हुई जो कि कह लें कि ऑलरेडी थी लेकिन इस साल ज़्यादा हो गई. जैसे कि हम डेंगू की बात करें, डेंगू ऑलरेडी वॉज एग्जिस्टिंग लेकिन इस साल बहुत सारे केसेस पिछले सालों की नस्बत देखने में सामने आए. साथ ही साथ अगर बात करें हम स्मोक की तो बहुत ही सीवियर सिचुएशन है. स्मोक पहले भी ऐसे ही होता है, हर सर्दियां जैसे आना शुरू होती हैं तभी इस तरह सूरत हाल हो जाती है, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा देखने में स्मोक जो है वो आ गया है सामने और बहुत ज़्यादा उसकी वजह से इश्यूज़ हो रहे हैं. अगर इश्यूज़ की बात करें तो जिसमें स्किन के मसले भी आते हैं, आंखों के मसले भी आते हैं, इरीटेशन बहुत ज़्यादा होती है. साथ ही साथ बात करें तो ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खासतौर पर लोगों को जिनको एस्थमा का इशू है उनके लिए बहुत ज़्यादा इशूज़ हो रहे हैं. अगर साथ साथ बात करें तो हार्ट प्रॉब्लम जिन लोगों को है उनको भी इशूज़ हैं. सो स्मोक एक तो सिचुएशन ऑलरेडी दिस इज़ वर्सन बिकॉज ऑफ द डेंगू, लेकिन स्मोक की वजह से ज़्यादा मजीद सूरत हाल बिगड़ती जा रही है. खासतौर पर अगर आज हम जिस चीज़ के हवाले से बात करें होंगे बच्चों के हवाले से बात करेंगे कि बच्चों में डेफिनेटली हम ओवरऑल कवर अप कर रहे होंगे. हम बड़ों की भी बात करेंगे कि बड़ों में भी स्मोक को किस तरह से कर सकते हैं और बच्चे किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं, क्या बच्चे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम के हवाले से बात करेंगे, क्या वो वीकन होता है या वीक होता है जिसकी वजह से उनके लिए स्मोक जो है वो ज़्यादा खतरनाक है. सो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान डॉक्टर सैयद खुज़ैम अरसलान बुखारी मौजूद हैं जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग. थैंक यू सर, वेलकम टू द शो. सर स्मोक के हवाले से बात कर रहे हैं चूंकि करंट सिचुएशन जो है हमारी इसी तरह की चल रही है, दिन ब दिन बल्कि बढ़ती जा रही है स्मोक. पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी वजूहात के हवाले से, फिर हम टॉपिक पे आएंगे कि बच्चों में क्या ज़्यादा इफेक्टिव है या बच्चों को ज़्यादा नुकसानदेह है. तो पहले थोड़ा सा बताएगा इसकी रीजन्स क्या, क्यों बढ़ती जा रही है और हर साल कोई इस पर रोकथाम भी नहीं हो रही, उसी तरह की सिचुएशन चलती जा रही है. देखिए स्मोक जो वर्ड है ना स्मोक, ये दो चीज़ों से मिलके बना है जी. एक है स्मोक और एक है फॉग, इसका मिक्सचर है. फॉग हम लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया में फॉग होती है सर्दियों में, ठीक है, लेकिन जब इसमें पोल्यूशन ऐड हो जाती है तो स्मोक बन जाती है और वो फिर जब हम लोग इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं उस तरह की पोल्यूशन ज़्यादा हवा में, तो वो फिर हमारे लिए नुकसान का बायस बनती है. इसमें जो अभी तक रिसर्च हुई है इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है स्मोक में वो हमारी ये जो व्हीकल्स होती हैं यानी गाड़ियों का धुआं, वो सबसे ज्यादा अपना रोल प्ले करता है. फिर दूसरा ये है कि इसमें जो इंडस्ट्रियल आपके आ जाते हैं, क्या कहते हैं, रिमेन्स जो कि आपकी इंडस्ट्री धुआं वगैरह छोड़ती है उस वजह से. और तीसरी बड़ी वजह जो लास्ट फ्यू ईयर्स में देखी जा रही है वो यही है जब फसलों को जलाया जाए, क्रॉप कटिंग के बाद उनको जलाया जाए. एग्जैक्टली, जब ये तीन चार चीजें इकट्ठी मिलती हैं तो ये स्मॉग बनती है. और इसमें ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं और ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि बॉडी के लिए बड़े डेंजरस हैं, ठीक है. उनमें आपके सल्फर आ जाता है, अमोनिया आ जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड्स वगैरह आ जाती हैं. ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं और ये प्रूवन ऐसी चीज़ें हैं जो कि नुकसानदेह जो कि नुकसानदेह प्रूवन है, जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है, सल्फर है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की गैसेज. हम इनकी रोकथाम के हवाले से भी बात करेंगे लेकिन थोड़ा सा सर इसके इफेक्ट्स के हवाले से बताएगा किस हद तक नुकसानदेह. पहले जनरली थोड़ी सी बात करते हैं कि आपके कौन कौन से ऑर्गन्स को एक्सटर्नली और इंटरनली इफेक्ट कर रही होती है स्मोक. देखिए सबसे ज़्यादा जैसी बात है ये क्योंकि हम लोग इनहेल करते हैं तो हमारा जो ईयर, नोज, थ्रोट और आपके लंग्स पूरे ये इन्वॉल्व होते हैं. एक तो आपको पता है कि नाक, कान, गला आपस में जुड़े हुए हैं, एक भी चीज़ इन्फेक्ट होती है तो वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकती है. हाँ जी. उसके अलावा हमारी आईज हैं जो कि बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है आपको पता है बॉडी का वो. उसके अलावा ये है कि हमारे लंग्स यानी फेफड़े वो मुतासर होते हैं. फिर इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं जिसमें इवन कैंसर तक की चीजें हैं जो कि अच्छा, हो सकती हैं. अच्छा. इसलिए ये देखा गया है कि जो आपके इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड है जिसमें इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है तो वहाँ पर लंग कैंसर की शरह जो है वो आम जगहों से बहुत ज्यादा होती है. और जो लोग ऑलरेडी बीमारियों का शिकार है जिसमें हार्ट डिजीज है या डिफरेंट लाइक इवन किडनी डिजीज है वो भी स्मोक की वजह से एग्रेवेट हो जाती है लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए. लेकिन अगर आप वैसे देखें
जो एक्यूट प्रॉब्लम है यानी कि जो हम लोग आए दिन देखते हैं उसमें हमारे ये जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा हम देखते हैं और आंखों में इचिंग और स्किन के इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, मतलब ब्रीदिंग से रिलेवेंट जितने भी आपको मसल हैं एक तो वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, दूसरा अगर ऑलरेडी कुछ हैं तो वो वर्सन हो जाएंगे. जैसे एस्थमा के कुछ पेशेंट हैं बहुत ज्यादा, उनके लिए ब्रीदिंग करना इस तरह के एनवायरमेंट बड़ा डिफिकल्ट होता है. ये मेजरली इफेक्टिव और साथ ही साथ आपकी आंखें इफेक्ट हो रही होती है और स्किन पे भी इसके असर आते हैं. जी, स्किन पे भी है डेफिनेटली, हमारी स्किन टच होती है और ये पार्टिकल्स हैं ये इनको इन्वॉल्व करते हैं और इसी वजह से सर्दियों में आपको पता है वैसी स्किन जो होती है कई लोगों की बहुत ड्राई हो जाती है और सेंसिटिव हो जाती है. ठीक है, और जो ऑलरेडी जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं टॉपी यानी कि जो कि एलर्जिक पीपल हैं उनके कंडीशन और ज्यादा इस मतलब हालात में खराब हो जाते हैं. ठीक है, ठीक हो गया सर. स्पेसिफिकली थोड़ा सा बच्चों के हवाले से बात कर लेते हैं क्योंकि बच्चे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. थोड़ा सा पहले तो उनके इम्यून सिस्टम के हवाले से बताएगा कि क्या वो थोड़ा वीक होता है, जो अगर हम एडल्ट्स की या बाकी लोगों की बात करें, और अगर स्पेसिफिकली हम स्मोक की बात करें तो क्या स्मोक बच्चों को ज्यादा इफेक्ट कर रही होती है. देखिए, जहाँ तक बच्चों के इम्यून सिस्टम का ताल्लुक है तो जो बच्चे हैं वो अपना इम्यून सिस्टम डेवलप कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट. हम लोगों का ये है कि हम लोग अब उस एज में है कि हमारा इम्यून सिस्टम टोटली डेवलप कर चुका हुआ है. वो बहुत सारे वायरसेस से आए दिन एक्सपोज होते हैं. जब वो एक्सपोज होते हैं तो फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी इम्यूनिटी डेवलप होती है. इम्यूनिटी डेवलप एग्जैक्टली, तो इसलिए बच्चे ज्यादा बीमार होते हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट. फिर बच्चों का ये होता है कि आपको पता है वो धूड़ में खेलना, बाहर जाके इस तरह की चीजों में खेलना, वो इस चीज का भी ख्याल नहीं करते. और ये सारी चीजें जब इकट्ठी होती हैं फिर अब आप देखें लाहौर जैसे शहर में अगर आप सुबह के टाइम देखें तो मेजोरिटी बच्चे बेचारे अपने या तो अपने ओपन सुजुकीज में या वैन्स में या बाइक पे आगे बाइक पे होते हैं बिल्कुल, तो वो एक्सपोजर और ज्यादा बढ़ जाता है उनका. तो इसलिए जो है ना बच्चों में ये चीजें ज्यादा देखी गई हैं. और फिर मौसम चेंज होने की वजह से कुछ वायरसेस भी एक्टिवेट होते हैं, तो ये सब तमाम चीजें इकट्ठी होती हैं तो बच्चे मुतासर ज्यादा होते हैं इस किस्म के एनवायरमेंटल चेंजेस. ठीक है, अगर हम जनरली बात करें तो ज्यादा इफेक्टिव हो तो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं इससे. ठीक है, और बाइक की जैसे आपने बात की तो मेरे ख्याल से जो बाइक के लोग हैं वो ज्यादा गाड़ी के नीचे चूंकि थोड़ा प्रोटेक्शन हो जाती है, यहाँ पे एक्सपोजर ज्यादा होता है, तो उनके लिए कितना जितने बाइक लोग इस्तेमाल करें उनके लिए कितना नुकसानदेह. बिल्कुल जी, बाइक वालों के लिए तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है और उनको तो बिल्कुल अपनी कवरिंग प्रॉपर करनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, हेलमेट पहनने चाहिए, कोशिश करें रहिए बच्चे को आगे ना बिठाएं क्योंकि वो उनका एक्सपोजर भी बढ़ जाता है, उनका एक्सपोजर बढ़ जाएगा. और हवा भी आपको पता है कि आजकल अब सर्दियां आ चुकी हैं, हवा भी ठंडी है, उस वजह से जब ये सारी चीजें इकट्ठी होती हैं तो ये ज्यादा प्रोन होते हैं और ज्यादा बीमार होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, और अगर बच्चों की स्पेसिफिकली बात करें तो बच्चों में कोई खास बीमारियां जो कि ज्यादा इफेक्ट होती है, जैसे बड़ों की तो हमने जनरली वैसे भी हमने जनरली बात कर ली कि आपको एस्थमा के जैसे पेशेंट्स हैं, आपको सांस का मसला हो सकता है अगर ऑलरेडी नहीं भी है, फिर आपको स्किन का मसला या फिर आंखों का मसला हो सकता है, तो बच्चों में कोई स्पेसिफिक किसकी वजह से इश्यूज या सेम वही प्रॉब्लम्स होते हैं जो बच्चों में ज्यादा प्रॉब्लम यही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है यानी कि गला खराब होना, नज़ले का हो जाना, छाती का खराब होना, ये ही सिम्टम ज्यादा है और आंखों में इचिंग वगैरह भी है, वो उसमें ये चीजें ज्यादा होती हैं बल्कि एडल्ट से भी ज्यादा होती हैं. अच्छा, एडल्ट से ज्यादा होती हैं, तो क्या उसमें किस तरह से एहतियाती तदाबीर के हवाले से थोड़ा सा बताएगा कि किस तरह से हम एहतियात कर सकते हैं बच्चों के लिए, पहले बताएगा फिर मैं एडल्ट पे आ जाऊंगी. देखिए, इसमें बड़े सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि स्मोक से जब एक्सपोज होंगे तो उसके इफेक्ट्स आएंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो. ठीक है, तो इसमें बेस्ट वे यही है कि आपका एक्सपोजर मिनिमम किया जाए. अच्छा, और गवर्नमेंट के लेवल पे ये है कि गवर्नमेंट जो है वो सारे वो रोकथाम करे कि ये स्मॉग, आप देख सकते हैं कि लाहौर में लास्ट 5-6 ईयर से ये बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी गवर्नमेंट इस पे उस तरह तवज्जो नहीं दे पाई कि जिस तरह देनी चाहिए. और अगर वो देंगे तो ये जो आपकी व्हीकल्स हैं ये मेंटेन्ड होनी चाहिए, अगर ट्रैफिक पुलिस थोड़ी एक्टिव हो जाए इस मामले में, फिर इंडस्ट्री को मतलब इसमें स्ट्रीमलाइन किया जाए, क्रॉप की जो बर्निंग है उसको कंट्रोल किया जाए, ये सारे एकदम आते होंगे तो ऑटोमेटिकली स्मोक कम होगी. और बच्चों की जहाँ तक है हम लोगों का है वो ये है कि हमारा एक्सपोजर कम किया जाए. ठीक है, अननेसेसरी घूमना फिरना, पार्क में जाना इस सीजन में जबकि हमें मालूम है कि बाहर स्मोक बहुत ज़्यादा है और स्मोक में बहुत सारे ऐसे डेंजरस कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि आपकी हेल्थ को नुकसान पहुँचा सकते हैं, हमें अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि इंडोर एक्टिविटीज को इंक्रीज करें, आउटडोर एक्टिविटीज में सिर्फ तब जाएं जब हमारी बहुत जरूरत हो. बहुत जरूरत, इसी वजह से आपको पता है कि गवर्नमेंट ने भी स्कूल का एक दिन कम कर दिया, लेकिन मेरा ख्याल है रिटायरमेंट तो भी देखना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्मोक की प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट को कंट्रोल करना. ठीक है, स्मोक की प्रोडक्शन हो किस तरह से रही है वो भी जनरली जैसे हम लोगों ने बात कर ली कि क्या क्या रीजंस हैं और थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लिया कि रोकना चाहिए. अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो क्या बच्चों को जैसे आपने कहा कि एक्सपोजर कम करना है, आउटडोर की एक्टिविटीज कम कर दें, इंडोर की
एक्टिविटीज कोशिश करें कि सारी शिफ्ट कर दें आउटडोर वाली इंडोर, अगर बड़ी को खास जरूरत है तो फिर ही बच्चों को बाहर भेजें। साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल करें बच्चे, और उसके साथ से कोई एडिशनल चीज जो आप बताना चाह रहे हो कि ग्लासेस या सनग्लासेस का, चश्मों का इस्तेमाल करें? देखिए उसमें एक अच्छी बात है कि अगर आप इस तरह के गॉगल्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन एक और चीज है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो स्टीम इनहेलेशन है यानी कि सादा पानी की भाप, ये कोई महंगी चीज भी नहीं है, कोई भी बंदा घर में भी अरेंज कर सकता है, तो ये भी बहुत इफेक्टिव है स्मॉग के अगेंस्ट। अच्छा, और एक चीज हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं कि हम लोगों का ये होता है कि भाई हमें बच्चे और जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है वो बच्चे होते हैं या आपकी एल्डरली पॉपुलेशन है 60 प्लस में अगर चले जाएं या जो कि ऑलरेडी हार्ट डिजीज है उसका शिकार है, तो लेकिन ये है कि आप, हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग भी ये स्लो पॉइजनिंग का शिकार हो रहे हैं क्योंकि हम भी उसी हवा में इनहेल कर रहे हैं। अच्छा, आपने देखिए एक वर्ड बोल दिया स्लो पॉइजनिंग, एग्जैक्टली, मतलब देखिए लोगों को अगर डिफाइन कर रहा हूँ बताना हो कि बेसिकली ये स्लो पॉइजनिंग है, आपको भी नहीं अंदाजा कि आहिस्ते आहिस्ते आपको खत्म करिए, इससे लाइफ भी आपकी कम होती है ना। बिल्कुल ऐसी बात है, देखें हम लोग उसमें इनहेल कर रहे हैं और हम लोग जो है हमें उसका एहसास भी नहीं होता, हम लोग समझते हैं जी कि हमारे बच्चे प्रोन है, हमारे बुजुर्ग प्रोन है, हम खुद भी प्रोन है, और हमें कई तो फैसला होता है कि बाजार आपने कोई तरह के सिम्टम नहीं होते, आपको गला आपका खराब नहीं, आपकी मतलब चेस्ट क्लियर है, लेकिन ग्रेजुअली आप भी वो चीजें डेवलप कर रहे हैं। और मैंने बताया ना कि इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में कैंसर जो लंग कैंसर है उसकी शरह इसलिए बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो हमें इसमें खुद भी एहतियात करनी चाहिए, और जब गाड़ी में जाएं तो हमारे शीशे बंद होने चाहिए, बाइक पे जाएं तो मास्क पहनाओ, प्रॉपर कवरिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है जब इस तरह के हालात हो तो हमें अननेसेसरी बाहर घूमना फिरना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया, एक्सपोजर कम रखने, मैक्सिमम जितना हम कर सके हम अपने एक्सपोजर कम रखने, एक तो हमारे एंड से चीज याद आती, दूसरी असरों से एहतियात के हवाले से बात करें चले, अब तो अगर हमने एहतियात नहीं की और इनके हिसाब को इचिंग शुरू हो गया, बिकॉज दो तीन मेरी ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा इस चीज का मसला हुआ, एक तो एस्थमा की पेशेंट थी तो उनको तो बहुत ज्यादा सीरियस इश्यू हो गया ना स्मोक की वजह से, उनकी आंखें इतनी लाल हो गई और फिर उनको दर्द भी होना शुरू हो गया। सो ये एक सिचुएशन आपके पास आ गई है, अब अगर इनकेस हो गया आपका एक्सपोजर भी और आप इफेक्टिव भी हो गए, इफेक्ट हो गया आप स्मोक से, तो उससे किस तरह से, एक तो अपने तरीका का बता दिया कि आप स्टीम इनहेलेशन करें, स्टीम ले, उसके अलावा क्या चीजें हो सकती हैं कि इससे बच सकते हैं या उसको से ठीक कर सकते हैं? देखें सबसे पहले तो वही बात है कि आप सबसे पहले जो स्मोक का एक्सपोजर है उसको कट करेंगे, अगर कोई किसी में आप देखते हैं कि किसी का एस्थमा एग्रेवेट हो गया या कोई इस तरह के इफेक्ट्स उसको आ रहे हैं, आप उसको एक तो आप एक्सपोजर कम करने के लिए आप उसको थोड़ा होम बाउंड करेंगे, और उसके बाद ये है कि ट्रीटमेंट, एक तो आपने, मैंने आपको बताया कि स्टीम इनहेलेशन, बाकी सारा ट्रीटमेंट जो है वो एज पर डिजीज होता है, अगर एस्थमेटिक पेशेंट है तो फिर उसको जो उसकी नेबलाइजेशन है, उसके इनहेलर्स हैं, उसकी डोज एडजस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई और इस तरह का सिम्टम है, कोई हार्ट पेशेंट है, उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, तो ये इसमें कोई, और अगर कोई डिजीज पर्सन नहीं है, सिर्फ स्मोक से ही इफेक्टिव, उसकी वजह से कोई स्पेसिफिक एलर्जी होगी है, स्किन की एलर्जी होगी है, बच्चों की अगर हम खासतौर पर बात करें, उन आंखों का मसला हो गया, स्किन का मसला हो गया सिर्फ स्मोक की वजह से, तो स्टीम इनहेलेशन के अलावा क्या हल हो सकता है, क्या हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं? मैं आपको ये बताऊं कि एलर्जी के लिए अगर कोई ट्रीटमेंट है ना या क्योर है, दैट इज क्या कहते हैं, अवॉइड एलर्जन, ये अवॉइड एलर्जन, यस ठीक है, तो अवॉइड एलर्जन का मतलब फिर यही आ गया कि अगर किसी को इस तरह के इफेक्ट्स आ रहे हैं तो उसको अपने आप को होम बाउंड या अपने आपको एक्सपोजर कट करना पड़ेगा। बाकी तो देखें कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है जिसको हम कहते हैं हेल्प करने के लिए, उसमें एंटी एलर्जिक्स हैं, इनहेलर्स हैं और बाकी चीजें हैं जो कि केस टू केस वेरी करती हैं, एक स्टीम वाइज चीज है जो कि हम जनरलाइज तौर पे किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा। और उसका फायदा ही होता है, लेकिन यह कि बाकी तो इंडिविजुअल बेस्ड ट्रीटमेंट है। ठीक है, और बेस्ट तो यही है कि अगर किसी को कोई आता है तो सबसे पहले तो आप उसको एक्सपोजर उसका बिल्कुल बंद करें, एक्सपोजर कम करें। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा सर, हमने थोड़े से शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स जो होते हैं नुकसान उसके हवाले से बात कर ली कि आंखों का मसला हो गया, गले का मसला हो गया, या स्पेसिफिक कोई हार्ट पेशेंट है, एस्थमा पेशेंट है, उनका मसला हो गया, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इफेक्ट के हवाले से बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि जो लंग्स का कैंसर है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, उसकी एक मेन वजह जो है वो ये है बढ़ने की, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा, एक तो वैसे एज भी कम हो जाती है, दूसरा कैंसर तक के भी चांसेस हैं, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हवाले से बात कीजिएगा कि क्या क्या और इफेक्ट्स हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म ये इफेक्ट तो बहुत सारे ऑर्गन को कर सकती है, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, क्योंकि लंग्स आपको पता है कि हमारे ब्रीदिंग का एक सर्किट का पार्ट है, तो सबसे ज्यादा एक्सपोजर इन्हीं का ही होता है, और ये जो जितने भी ये सल्फर, नाइट्रिक ऑक्साइड और ये जितने केमिकल्स हैं, ये हमारे लंग्स को डायरेक्टली डैमेज करते हैं। अच्छा। इसी वजह से लॉन्ग टर्म में जो बहुत ज्यादा अरसा एक्सपोज होते रहते हैं उनमें लंग कैंसर की शरह ज्यादा है। लंग्स के साथ जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो कि इफेक्ट होता है वो हमारे हार्ट है, हार्ट आपको पता है जो भी हार्ट के डिजीज वाले इस्कीमिक हार्ट डिजीज, यानी कि जैसे हम आम जबान में कहते हैं कि भी जो दिल की
बीमारी है जिसमें के हार्ट अटैक्स वगैरह आ सकते हैं, वो बहुत कॉमन है इनके साथ। इसके अलावा इनडायरेक्टली तो तकरीबन आपका हर ऑर्गन ही इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि अगर एक भी ऑर्गन इफेक्ट होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे ऑर्गन पे आता है, चाहे वो आपके किडनीज हो। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं वो इसमें बड़े ऑर्गन, उसमें लंग्स और आपका हार्ट है, जो कि स्मोक से ऑलमोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और उनके इफेक्ट्स देखे जाते हैं। और आपको पता है ये दोनों भी बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं और लाइफ के लिए बहुत जरूरी है इनके हेल्दी होना। बिल्कुल ऐसी है सर। सर एक तो हमने बात कर ली कि हम प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं अपने एंड से, एक्सपोजर कम करके खुद को बचा के। दूसरा, अगर इनके साथ एक्सपोज हो गए स्मोक से तो तब आप प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं जिसमें स्टीम आ जाती है। और पहली चीज़ जो सर ने बात जिसपे मेरे ख्याल से सारी खत्म हो जाती है कि अवॉइड एलर्जेंट, आपको जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है उसे अवॉइड करें, इसका हल आपको मिल जाएगा। सर अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि बेसिकली जब स्मोक की हमने शुरू में रीजंस डिस्कस की कि उनको कैसे खत्म कर सकते हैं, अब दोनों चीज़ें आ जाती हैं, एक तो गवर्नमेंट के लेवल पे भी बात करेंगे वो भी आ जाता है, दूसरा बात करेंगे इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पहले तो बताइएगा कि हम अपना इनपुट किस तरह से दे सकते हैं, जैसे फैक्ट्रीज का है, गाड़ियों को भी तस्करा करे थे, फिर हम गवर्नमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। देखिए एक इंडिविजुअल का रोल तो इसमें बहुत बड़ा नहीं है, उसकी वजह यह है कि एक आम आदमी इंडस्ट्री भी रन नहीं कर रहा, ना ही वो अपनी जलाता है, क्रॉप्स जलाता है। हाँ एक काम हो सकता है, अगर आपके पास व्हीकल्स हैं तो आप अवॉइड करें अननेसेसरी घूमना फिरना, क्योंकि आपकी व्हीकल्स कुछ ना कुछ तो पोल्यूशन में ऐड कर रही होती है। और इसका डबल एक फ़ायदा है, देखें आप खुद भी एक्सपोज नहीं होंगे अननेसेसरी अगर आप बाहर नहीं जाते, और आपकी व्हीकल जो धुआं छोड़ रही है वो भी उसमें इजाफा नहीं करेगी। हाँ जी, इंडिविजुअल बेसिस पे तो बहुत ज़्यादा किया नहीं जा सकता। हाँ स्मोक के रोकथाम के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल है वो गवर्नमेंट का ही है, वही इंडस्ट्री से बात करेगी, वही इनका एनालिसिस करवाएगी कि इंडस्ट्रीज कितना जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस फिजा में छोड़ रहे हैं, फिर जो क्रॉप बर्निंग आ गई उसके लिए कोई इकदाम करना भी गवर्नमेंट को ही उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। और तीसरी बड़ी चीज़ जो सबसे बड़ा रोल है वो है आपकी जो गाड़ियों का धुआं और ट्रैफिक का धुआं, लाहौर जैसे शहर में जिसमें 1.5 करोड़ आबादी है, हाँ उसमें आपको पता है कि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, तो अब गवर्नमेंट को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करनी चाहिए। आपको पता है, हाँ एक काम जो मेरे जहन में और आ गया वो ये है कि हम ज़्यादा दरख्त ट्रीज इम्प्लांटेशन बहुत ज्यादा, ये भी हम एक इंडिविजुअल बेसिस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1.5 करोड़ आबादी है, अगर 1 करोड़ बंदा भी अपना एक एक दरख्त लगाता है exactly. तो उसका भी बहुत इफेक्ट है, और ये एक एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन सारी इसमें जो बात है वो इन द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट के उसमें ही आती है कि वही गाड़ी का एक चेक रखे। और ये जो आपको पता है कि एक दिन उन्होंने छुट्टी का कहा कि भी इसका करें, उसकी वजह भी यही थी कि यार शुरू के टाइम आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा बसेस वैन्स और ये ट्रैफिक होती है, तो अगर एक दिन छुट्टी कर दी जाएगी तो शायद इससे स्मॉग में कमी आए, जबकि मैं समझता हूँ इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और भी इकदाम गवर्नमेंट को बाकी भी तो करने की जरूरत है, अब एक पड़ेगा जैसे अब दरख्त हम काटना शुरू वैसे ही हो गए, ग्लोबल वार्मिंग की सिर्फ बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई है, तो सिर्फ इसकी ये तो स्मोक एक चीज है जो हमारे सामने नजर आ रही है, इसके शायद और भी बहुत सारे नुकसान आते हैं जो साथ साथ पैरेलल हो रहे हैं। आपके बात से बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट के एंड पे बहुत सी चीजें जो करने वाली है, तो सर क्यों बेसिकली काम नहीं हो रहा, व्हाट डू थिंक व्हाई इट्स नॉट गेटिंग अभी तक कुछ इस तरह का काम की गवर्नमेंट भी नहीं करी या हम इस चीजों पर काम नहीं करें, बहुत डिफिकल्ट है, जैसे क्रॉप्स को जला देते हैं फिर बाद में इसको कंट्रोल करने बाद मुश्किल हो जाता है। देखें इसका ज्यादा अच्छा जवाब तो कोई गवर्नमेंट वाला ही दे सकता है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जहाँ क्या कहते हैं अच्छी इंटेंशन हो तो वहाँ काम हो जाते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है। स्मॉग को क्या कहते हैं काबू किया है बहुत सारे कंट्रीज ने, और स्मॉग सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, और भी बड़े मुल्क हैं जिनको स्मॉग का सामना है, लेकिन वो इसके खिलाफ इकदाम करते हैं और उसमें सक्सेसफुल भी है। थोड़ा सा अवेयरनेस के हवाले से बताएगा कि कैसे अवेयर कर सकते हैं हम लोगों को भी गवर्नमेंट को भी स्मोक को खत्म करने के हवाले से, क्योंकि वैसे तो हमने बहुत बात कर ली ना कि प्रोटेक्शन कैसे करनी है, प्रिवेंशन कैसे करनी है, स्मोक को कैसे खत्म कर सकते हैं, लोगों को किस तरह से अवेयर कर सकते हैं। देखिए उसमें तो ये मीडिया का ही रोल है ज्यादा, कि मीडिया ही लोगों को अवेयर करेगा कि भाई ये स्मोक जो है एक डेंजरस चीज है, इसको आप क्या कहते हैं ईजी उसमें ना लें। और गवर्नमेंट को भी अगर किसी ने झुंझुड़ना है तो वो मीडिया का ही काम है, क्योंकि आपको पता है कि वैसे तो नहीं कुछ होगा। हाँ अगर मीडिया वाले जिस तरह आप ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बात जब ऊपर तक जाती है तो फिर वो जितनी भी मशीनरी है वो काम करती है, क्योंकि अगर आप लोग भी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर तो गवर्नमेंट की मशीनरी भी सोई रहेगी। क्योंकि अगर ये देखें तो पिछले 6 साल से अनफॉर्चुनेटली लाहौर को एक ही मसला दरपेश है जो कि टाइम के साथ बढ़ रहा है राधर दैन के कंट्रोल हो, और कोई इतनी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपने कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना है और कुछ आपने लॉज लेकर आने हैं, और आप देखेंगे कि
ये चीजें कंट्रोल हो जाएगी। और लाहौर वो आपको पता है कि इसमें नॉर्मली भी अभी तो चले सर्दियों का मौसम है ना, तो स्मॉग और ये इश्यू है जो कि नजर आ रहे हैं हमें, इवन थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर जो एयर इंडेक्स है क्वालिटी का वो 133-150 में रहता है। वैसे भी कहीं ना कहीं लाहौर जो आता रहता है पोल्यूटेड चीज़ के नाम, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि भाई आपके जब नॉर्मली भी इवन जून जुलाई में भी 133-150 पे जा रहा होता है, तो ये जो है ना गवर्नमेंट को एक इसका एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है। अगर वो नहीं करेंगे तो टाइम के साथ आपको पता है आबादी भी बढ़ रही है, ट्रैफिक भी बढ़ेगी, इंडस्ट्री भी बढ़ रही है। एक तो यही है कि इंडस्ट्री को आपको शहरों से बाहर निकालना चाहिए, जो जो इंडस्ट्री ऑलरेडी मौजूद है उसको दूर लेके जाएं, फिर क्रॉप बर्निंग के लिए कोई इसके लॉज लेकर आए कि भी वो उसका इफेक्ट ना हो, व्हीकल्स के लिए भी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए। एग्जैक्टली सर, ना देखिए मीडिया का डेफिनेटली रोल है, वी टोटली अग्री टू दिस डेफिनेटली, साथ साथ गवर्नमेंट का भी रोल है कि गवर्नमेंट को लॉज एंड रेगुलेशन बनाने ना, लेकिन फिर इंडिविजुअल लेवल पे भी आ जाता है मेरे ख्याल से, हमें भी तो अपना इनपुट देना है। जैसे गाड़ियां तो बेसिकली हम चला रहे हैं ना, अब घर घर में होता है क्या कि हर बंदे को अपनी अपनी गाड़ी चाहिए, बच्चा है तो उसको अलग से चाहिए, अम्मा है तो उसको अलग से चाहिए, फिर हम भी तो इन चीजों पर काम नहीं करें ना, हम भी तो नहीं होता कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर लें या घर में कोई एक गाड़ी बड़ी मजबूरी हो तो इस्तेमाल कर लें, तो इंडिविजुअली भी मेरे ख्याल से हमें इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले। आपका पॉइंट ठीक है कि एक ही घर में कई दफा, पाकिस्तान वैसे इतना अमीर मुल्क नहीं है, चंद ही लोग हैं, मेरे ख्याल लाहौर में शायद 1% से भी कम होंगे जिनके पास बहुत एक से ज्यादा गाड़ी हो, लेकिन ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल भी आपके सामने है, लोग उसको भी अवॉइड करते हैं, लेकिन ओवरऑल बात ठीक है कि हम लोग अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं उसमें कि हमारी गाड़ी वेल मेंटेन्ड हो, लेकिन मुझे यूं लगता है कि शायद हमारी अभी उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। जब तक कोई गवर्नमेंट इस पर सख्त इकदाम नहीं करेगी, अभी आपने देख ही लिया कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इजी लिया तो डेंगू ने किस कदर सर निकाला, हाँ जी, और कितना, यानी कि 2011 के बाद ये दूसरा बड़ा एपिडेमिक है। तो बात यह है कि लोग भी तभी ख्याल करते हैं जब उनको आप कह सकते हैं कि उन पे सख्ती की जाती है, क्योंकि वो इस चीज को रियलाइज नहीं जाने वाले लोग हैं, हमें वैसे असर नहीं, हमें खुद नहीं पता हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एज अ सिटीजन या एज अ ह्यूमन बीइंग, भी तो हमें पता होना चाहिए ना साथ साथ, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि इंसान हर जगह के ही तरह के हैं, चाहे वो अमेरिका में बैठे जो उनकी प्रॉपर जब तक ट्रेनिंग नहीं की जाएगी और लॉज को एनफोर्स नहीं किया जाएगा उस वक्त तक मतलब बेहतरी आना इतना, हाँ जी बिल्कुल ऐसी है। सर थोड़ा सा बताइएगा, जब बात कर रहे थे कि फैक्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको लंग्स के ज्यादा इश्यूज होते हैं, लंग्स कैंसर के कहें क्योंकि ज्यादा चांसेस होते हैं, तो उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि उनके लिए क्या खास एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, क्योंकि मुझे चीज इसलिए जहन में आई बिकॉज आई नो अ पर्सन जिनकी डेथ हुई है सिर्फ लंग्स कैंसर की वजह से, क्योंकि उन्हें थ्रू आउट अपनी लाइफ में सिर्फ फैक्ट्री में काम किया था, तो उसकी क्या प्रोटेक्शन हो सकती है, किस तरह से वो खुद को बचा सकते हैं इस चीज़? देखिए उसमें जो डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसमें एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है वर्कर्स का और लेबर्स का, उसमें तो प्रॉपर उनको मास्क पहनाए जाते हैं और उनका एक्सपोजर कम किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात फिर वही आ जाती है, मैंने पहले भी बात की हमारी ट्रेनिंग अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी नहीं है, ना फैक्ट्री मालकान इस पर इतने तवज्जो देते हैं और ना ही वर्कर्स खुद, मैंने खुद कई दफ़ा लोगों को क्या कहते हैं वेल्डिंग करते देखे विदाउट ग्लासेस, और मैंने उन्हें बताया कि इसका लॉन्ग टर्म आपकी आंखों पे कितना बुरा इफेक्ट आ सकता है, लेकिन वो इस चीज़ का परवाह नहीं करते, इसलिए फिर मैं फिर कहता हूँ कि एंड ऑफ द डे में बात यही आ जाती है कि गवर्नमेंट को लॉस ना सिर्फ बनाने अच्छे पड़ेंगे बल्कि उनका इम्प्लीमेंट अच्छा करना, ठीक है, एब्सोल्युटली ना सिर्फ लॉस बनाने हैं बल्कि उनका इम्प्लीमेंट भी करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू सो मच। जना बार बार बात करें तो स्मोक के वाले से, खासतौर पर बच्चों के वाले से बात की कि किस तरह से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं ब्रेक के जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद करेंगे आपसे बात, देखते रहिए पाकिस्तान के साथ। अगेन वेलकम बैक टू द शो, आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ खुश आमदीद कहते हैं। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स के हवाले से एक आलमी दिन मनाया जा रहा है, अवेयरनेस के हवाले से आज का दिन जो है खासतौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। पहली बार दिन सेलिब्रेट किया गया था 1987 में, और तब से लेके अभी तक कह लें कि 34 साल हो गए, लेकिन इन 34 सालों में इसमें कमी नहीं आई बल्कि इजाफा ही हुआ है। क्या वजूहात हैं उस हवाले से बात करेंगे। एक क्या सिर्फ यही वजह है कि ये एक लाइलाज मर्ज है, इस वजह से इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इस वजह से इसके केसेस में कमी नहीं आई, या फिर ये कि हम इसमें कोई प्रिवेंशन भी नहीं कर रहे होते, एहतियात भी नहीं कर रहे होते? आज इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। अवेयरनेस किस तरह से इसके हवाले से दी जा सकती है उस हवाले से भी बात करेंगे, और साथ ही साथ के इसकी रीजन्स क्या हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे अगर रीजन्स की थोड़ी सी बात करें, बेसिकली एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि ह्यूमन
ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है एचआईवी, उससे आपको ये बीमारी जो है वो लग रही होती है। और अगर इसके फैलाव की बात करें, डेफिनेटली हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद होंगे, डॉक्टर साहब मौजूद होंगे, आपके रीजन भी बता रहे होंगे कि कॉमन रीजन अगर मैं डिस्कस करती चलूँ साथ में, तो जनाब वो नीडल्स का इस्तेमाल करना होता है, कॉमन नीडल्स का जो सिलेंडर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वही नीडल्स जो कि ऑलरेडी यूज हुई होती हैं, और हो सकता है वो बंदा एचआईवी से ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो और वही जो नीडल है वो आपके लिए इस्तेमाल की जा रही हो। हॉस्पिटल्स में बात करें, अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स के अलावा जनरली भी ब्यूटी पार्लर्स की बात करें, इवन जो हमारे यहाँ सैलॉन्स होते हैं, फिर सो कॉल्ड सैलॉन्स होते हैं, उन सब ये एक रीज़न है जो बड़ी कॉमन है। उसके अलावा बाकी रीजंस जो है उन हवाले से भी बात कर रहे होंगे, और इस पर बात करेंगे कि इसमें कमी क्यों नहीं आ रही है, क्यों बढ़ती जा रही है, और प्रिवेंशन के हवाले से बात करेंगे किस तरह से इससे बचा जा सकता है। सो इन सब चीज़ों के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान डॉक्टर मोहम्मद यूनुस मुनीर साहब मौजूद हैं, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। सर पहले तो एड्स के हवाले से बात कर लेते हैं, लोगों को थोड़ा सा बताइएगा कि एड्स बेसिकली है क्या और किस तरीके से फैल रहा होता है, फिर हम वापस आ जाएंगे आज के दिन के हवाले से। जी सर। मैडम, जिस तरह अभी आपने खुद ही बताया, ये एक वायरस है, एचआईवी वायरस होता है, बिल्कुल एक छोटा सा वायरस है, जिसका यही है कि इसने इम्यूनो सप्रेशन करनी है, ठीक है, आपकी जो कुव्वत मुदाफत है उसको इसने कम करना है, जो आपकी आर्मी है, मतलब कि जिसने आपका इन्फेक्शन है वो अगेंस्ट एंटीवायरस है, एंटी बैक्टीरियल है, इसने उसको सप्रेस करना है, ठीक है। जब ये एंटी किसी भी चीज हमारे इम्यूनो सप्रेसेंट ये कोई चीज हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, तो उसके हवाले से कोई भी हमारी डिजीज तो वो रुक नहीं पाती। फॉर एग्जाम्पल, आया वो स्किन की डिजीज है, वो ब्लड की डिजीज है, वो किसी तरह की भी, बाकी जिस तरह आपने भी बताया, इसकी कई किस्में हैं ट्रांसमिशन की, ठीक है, जिस तरह भी एक आपने एग्जाम्पल दी है कि यूज सिरिंजेस है, ठीक है, इसी तरह ना इसकी कई एग्जाम्पल्स हैं जिसकी वजह से ये फैल सकता है। ठीक है, ठीक हो गया सर। एक तो जनरली हमने एड्स के वाले से वैसे बात कर ली, रीजन से थोड़ा सा बाकायदा आ जाते हैं। एक तो रीजन ये होगी जो मैंने मेंशन कर दी, उसके अलावा क्या वजूहत होती है एड्स फैलने की, और थोड़ी सी टाइप्स के वाले से बात करें तो उनके वाले से बताइएगा। मैडम, जो जिस तरह अभी आप बता रही थी कि को क्या वजह है जिसकी वजह से हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, एक तो ऑब्वियसली आपकी सिरिंजेस, जो सिंगल सिरिंज है वो मल्टीपल पेशेंट्स पे यूज होती है, एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी लोगों को, यस, आपकी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, पेरिफ्री में कोई भी पेशेंट अपना जब ब्लड ट्रांसफ्यूज कराता है कोई मेडिकल रीजंस की वजह से, किसी एक पेशेंट को जब उसका ब्लड लगता है तो उसकी स्क्रीनिंग बड़ी जरूरी है। हमारे पास लोगों को बस यही अवेयरनेस है यार, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग हो जाए, हालांकि हेपेटाइटिस बी की, सी की, प्लस एचआईवी की स्क्रीनिंग भी बड़ी जरूरी है, और ये लोगों को अभी तक अवेयरनेस नहीं है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो पेरिफ्री में जो बढ़ता जा रहा है हमारा एड्स। ठीक है, ठीक हो गया सर। थोड़ा सा इसके साइंस एंड सिम्टम्स के हवाले से बताइएगा कि क्या अलामत होती हैं, कैसे पता चलना शुरू होता है कि आपको ये बीमारी हो गई है। मैडम, ऐसा है कि ये कोई भी लॉन्ग टर्म आपका, फॉर एग्जांपल किसी भी पेशेंट को लॉन्ग टर्म फीवर होता है, वो समझता है कि आया हमने ना इसको टीबी की तरफ लेके जाना है, लॉन्ग टर्म फीवर है, एब्डोमिन पेन है, वॉमिटिंग है, कोई भी लॉन्ग टर्म है, तो ऑब्वियसली इसको हम लोगों ने प्रायोरिटी पे रख के एचआईवी को स्क्रीनिंग करनी है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कुछ इनके क्लस्टर्स हैं, कुछ कुछ एरियाज में अगर ये एचआईवी एड्स किसी एरिया में है तो उसी एरिया में ही सब पेशेंट्स को हो जाएगा। अच्छा। इसीलिए हमारे 36 जिलों में 26 जो 26 इजला हैं उसमें इनके सेंटर्स बने हुए, वो टॉप प्रायोरिटी पे हैं, उनकी सर्विलेंस बड़ी हो रही है, हम है। उन वहाँ ये होती है, सबसे बड़ा इसका फैक्टर जो है वो क्वैक्स है। अच्छा। क्वैक्स की वजह से उन जगहों पे, यस, सबसे, जिस तरह भी आपने, मैडम ये आप ही की फील्ड है, और ये जिस तरह ये हमारे सैलॉन्स वगैरह में हो गया, या फिर गली मोहल्लों में ऐसे सैलॉन्स भी बने होते हैं, फिर गली मोहल्लों में ऐसे वो बैठे भी होते हैं आपकी शेविंग के लिए और उसके लिए जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। यस, आप बिल्कुल ठीक है मैडम, उनको पेडलर्स कहते हैं, ये सबसे बड़ी वजह ये पेडलर्स भी है, वो जो छोटे मोटे एक कुर्सी रख के बैठे होते हैं, उन्होंने सेम ब्लेड यूज करना होता है अपने आप को वो बचत करने के लिए, ठीक है। और ये तो हो गया लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों को, हाँ, और ये हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों के अंदर भी बड़ा ये अहम है, ठीक उनकी है। भी स्क्रीनिंग बड़ी जरूरी है, क्योंकि ये एसटीडी के वाले से होती है, जो हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती है, उसका भी एक 25 to 30% डिजीजेज की उसकी वजह से भी फैलती है।
अच्छा 25-30% बेसिकली उसकी वजह से फैल रही होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, 25-30% के लिए उसमें आ रहा होता है. अच्छा सो बेसिकली हमारे यहाँ वहाँ पे भी तो नहीं कोई प्रॉपर एजुकेशन दी जा रही, उस वाले से भी तो नहीं अवेयरनेस दी जा रही ना कि हमें वहाँ पे किस तरह से एहतियात करनी है. मैडम इसकी सबसे बड़ी एहतियात यही है कि जिस तरह का हमारा माहौल है हम इसको फोर्सली इसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो सबसे बड़ी चीज है पेडलर्स एक्ट, लास्ट गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, उन लोगों ने इनको पेडलर्स के लिए कुछ बॉक्स दिए थे, शेविंग किट्स दी थी, सिरिंज कटर्स दिए थे कि आपने मल्टीपल एक से अपना जो ब्लेड है वो मल्टीपल लोगों पे यूज नहीं करना. ठीक है. दूसरी चीज जो आप डिस्कस कर रही थी सैलून्स और बार्बर, मैडम ये बहुत जरूरी है, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आपकी तरफ से कि जो ब्यूटी पार्लर्स है ना, ये इसका जो अगर किसी पेशेंट को आज वो इन्फेक्टिव हुआ है तो उसका ये नहीं है कि वो कल हमें एड्स का पता लग जाएगा कि ये पेशेंट एड्स का है. हाँ, उसको 8-10 years लगते हैं. अच्छा, जो बार-बार किसमें लगते हैं, मतलब डायग्नोज होने में लगते हैं या उस डिजीज को अपीयर होने में लगते हैं? उस डिजीज को अपीयर होने में, उसके सिम्टम्स अपीयर होने में, वो सिम्टम्स जो किसी चीज से भी कंट्रोल ना हो. ठीक है. तो फिर वो देखता है कि अपनी हिस्ट्री को लास्ट 10 years की, वो कहता है कि यार जनाब मैं तो पिछले एक साल से या महीने से जनाब मैं तो यहाँ रह रहा हूँ, मैंने तो कुछ किया नहीं. वो नहीं जानता कि आज से 10 साल पहले या 9 साल पहले वो किसी पार्लर में ऐसे गया था, जो इंस्ट्रूमेंट उस पे यूज हुआ है, कोई फीमेल है, किसी तरह की भी इनके मैनिक्योर्स होते हैं, इनके पेडिक्योर्स होते हैं, वो एक ही इंस्ट्रूमेंट सब पे यूज होता है. ये आगाही देना लोगों को, एक बार्बर किट होती है, शेविंग किट आपकी हो जाए, ये देना बहुत जरूरी है. ठीक है, ठीक हो गया सर. देखिए ना, अलार्मिंग सिचुएशन तो यही है ना कि अगर आपको कोई बीमारी हो गई है लेकिन 8-10 साल का तक तो आपको पता ही नहीं चल रहा क्योंकि उसके कोई फिजिकल सिम्टम्स या उसकी कोई अपेरेंस नहीं हो रही, तो फिर क्या तरीका कार हो सकता है इसका अवेयरनेस के हवाले से? डेफिनेटली बात करेंगे. थोड़ा सा डायग्नोसिस बताइएगा कि इसका डायग्नोसिस किस तरीके से होता है. मैडम इसका ना पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस तरह आपने बताया कि इसको कंट्रोल, इसकी मैडम सबसे ज्यादा जो काम है इसकी प्रिवेंशन है. आप इसकी प्रिवेंशन हर तरह की, अपना कोई भी इक्विपमेंट जो आप पे यूज हो, आपका डेंटल इक्विपमेंट है, आपका टूथब्रश है, आपकी शेविंग किट है, आपकी ब्यूटी पार्लर किट है, वो सब आप लोगों की सेपरेट होनी चाहिए. मैं आपके फोरम से ये लोगों को बताना चाहता हूँ, हर बंदे को अपनी जिस तरह एक टूल किट होती है, कॉस्मेटिक बॉक्स होता है, वो आदमी हर बंदा अपना डिफरेंट रखे. उसको नहीं पता कि क्यों ये बढ़ रहा है, जिस तरह आपने स्टार्ट ही इस चीज से किया कि ये क्यों आज तक कंट्रोल नहीं हुआ, लोगों में अवेयरनेस नहीं है. कुछ घर ऐसे भी होते हैं कि एक ही टूथब्रश होता है वो सारी फैमिली यूज कर रही होती है. हकीकत में देखा जाए इसका जो म्यूकस से, इसका जो म्यूकस से होता है, होता है 10%, बट ड्यूरिंग टूथब्रश इसका है, बिल्कुल है, ट्रांसमिशन बिल्कुल इसकी है. ठीक है, ठीक हो गया सर. मतलब म्यूकस से भी हो रहा होता है बेसिकली. यस, ठीक है, ठीक हो गया सर. प्रिवेंशन के हवाले से मजीद थोड़ा सा बताएगा कि किस तरह से कर सकते हैं. एक तो हम पॉलर्स वगैरह के हवाले से बात कर ली इनको, या सैलॉन्स या बार्बर्स जो हैं, उसके अलावा मजीद हमें प्रिवेंशन करने की क्या जरूरत होती है इसमें? मैडम आपकी सबसे बड़ी यही वजह है कि आपका जो एटलीस्ट जितना ही आपका पब्लिक हेल्थ में सब बताया जाता है, कोई नहीं कहता कि ये इसका जो होता है ना आपका ट्रांसमिशन, जिसको आप कहते हैं कि कफ से खांसी से नहीं जाता. अच्छा. लेकिन हमने इसकी मैडम प्रोटेक्शन भी जरूरी है, लेकिन एक हमारा जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, लेकिन उनके अंदर उनका एक टॉपिक भी है कि पेशेंट को स्टिग्मा नहीं देना, उसको डराना नहीं है. ठीक है. आया तुम अगर इस चीज से हो गए हो, डिजीज हो गए हो, तो तुमने घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि आया तुम लोगों ने इसका, तुम प्रिवेंशन कोई नहीं है. इसकी बिल्कुल प्रिवेंशन है, पेशेंट अपनी केयर करे, फैमिली में अगर एक बंदे को हो गई है, घर में मेल है फीमेल है, उनको होगी है, तो उसको एहतियात बड़ी जरूरी है, अवॉइड करें. ठीक है. कई चीजें हैं जो मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ में अपना वो यूज कर सकते हैं एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये बड़ा जरूरी है जो प्रिवेंशन के हवाले से. दूसरी हमारी किट्स हैं, दूसरी इनके प्रोग्राम्स हैं, अवेयरनेस है, स्कूल के प्रोग्राम्स है, हमारे स्कूल में छोटे पंपलेट्स दिए जा सकते हैं जिससे हम लोग इसको कम कर सकते हैं. अवेयरनेस बहुत जरूरी है, सबसे पहला काम क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, उससे भी पहले हमारी अवेयरनेस बहुत जरूरी है. और जहां तक आपने बात की डायग्नोसिस की, जब भी आप कोई ट्रांसफ्यूजन कराएं, एक मैडम किट आती है 50 रुपीज की, स्क्रीनिंग किट बोलते हैं उसको, उसके ऊपर आप कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिस तरह ब्लड ग्रुप का आपको हर बंदे को पता है, इस तरह 3-4 स्क्रीनिंग टेस्ट अपने जरूर कराएं, सिफिलिस है, अपना
HIV AIDS है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, उसको एटलीस्ट एनुअली उसको पता हो स्टेटस का. अगर वो अर्ली डायग्नोज हो गया तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है. ठीक है, ठीक हो गया सर. क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया कि 8 से 10 साल तो हमें उसके सिम्टम्स का ही नहीं पता चल रहा होता, क्योंकि उसकी साइन एंड सिम्टम्स उस तरह से आ ही नहीं रही होती. तो ये तरीका का इसमें हो सकता है कि अपनी हर साल जो है स्क्रीनिंग कराइए, अपने टेस्ट कराइए, ताकि इनके अगर है भी तो वो आपको पता चल जाए, क्योंकि उसकी कोई सिम्टम्स नहीं आती है. ऐसे ही सर जी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही. और जो आप लोगों के जो अभी कोई व्यूअर्स हैं आपके, उनको बताना चाहता हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो लोग अपना ब्लड देते हैं, लोगों को ब्लड देते हैं, वो ब्लड देते वक्त कहते हैं प्लीज हमारी स्क्रीनिंग देख लें, उसको कहते हैं कि काला यरकान पीला यरकान देख लें. वो जरूरी है, अब इम्प्लीमेंट हो गया 100%. वो कहें कि जनाब हमारा HIV भी देखें. जहाँ भी बाकी स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे HIV की भी स्क्रीनिंग लाजमी है. यस, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है. जब हमारी ये हो जाएगी तो हम इन पेशेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. इनका ट्रीटमेंट है, बड़ा प्यारा ट्रीटमेंट है इनका. अगर ये अर्ली डायग्नोज हो जाए, अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए, तो पेशेंट अपनी लाइफ जी सकता है. ठीक है, ठीक हो गया सर. स्टिग्मा के हवाले से पहले बात कर रहे थे कि हमने एक स्टिग्मा बना लिया हुआ है, लोग पहले ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं इससे जिनको हो रहा होता है. और ज्यादा मेरे ख्याल से वो लोग डर जाते हैं जो आसपास रह रहे होते हैं, और वो जो लोग जिनको एड्स हुआ होता है उससे लोग दूर भागते हैं. मतलब उनको भी उस तरह से शायद माजद के साथ ट्रीट भी नहीं किया जाता, जो एक इंसानी सलूक भी करना चाहिए. तो ये क्या सिचुएशन, ये सही है कि आप उस तरह से इतने बुरे तरीके से इंसान को भी ट्रीट कर रहे होते हैं जिसको एड्स होता है, इतना उसे दूर भाग जाना सही होता है क्या? मैडम, ये आपका क्वेश्चन ना बहुत इम्पोर्टेंट है. ये मैंने जिस तरह पहले बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ. इस पेशेंट को कभी वो बर्तन शेयर करने से, कपड़ा शेयर करने से, टॉवल शेयर करने से उसको कुछ नहीं होगा. उसका उसके लिए ये है कि आया जिस तरह मैंने बताया हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, उसको उसमें ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जी जी. तो उसको घर में, जिस आप कह रही हैं कि घर में लोगों को किस तरह, अगर किसी एक घर में पेशेंट आ गया एड्स का, तो नहीं इसमें परेशान नहीं होना कि आया वो टॉवल कपड़े अलग आइसोलेट हो जाए, रूम अलग कर ले. नो, उसको सिर्फ अपनी 3-4 चीजें उनका ख्याल करना चाहिए. बर्तन भी वो शेयर कर सकते. अच्छा, ठीक है. ये जहाँ पर ब्लड कॉन्टेक्ट हो उधर हमने प्रोटेक्शन करनी है. इवन उसकी शेविंग किट है, वो अपनी रेजर यूज कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपने रेजर को हाइड करके रखे, अपना अलग बॉक्स करके रखे, उसके कोई और यूज ना करे. अगर वो बाहर फेंकता है तो उसको डिस्कार्ड करे, कोई और मल्टीपल कोई बंदा यूज ना कर सके. एक ये है जो घरेलू आदमी बंदा ख्याल कर सकता है. जिसके अंदर स्टिग्मा, बात आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं कि पेशेंट्स को डर बड़ा लग जाता है कि जनाब हमारी फैमिली में इसको एड्स हो गया तो अब हम इस घर में जाना नहीं है. नेवर. ये ब्लड कॉन्टेक्ट के साथ इसका है सबसे बड़ा. और जहाँ तक टूथब्रश है, टूथब्रश के अंदर भी थोड़ा सा ब्लड कॉन्टेक्ट होता है, इसलिए हम लोगों को केयर करने की जरूरत है. वरना इसके अंदर गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है लोगों को अवेयरनेस देने के अंदर कि रिड्यूस स्टिग्मा, उनका स्टिग्मा रिड्यूस करें कि ऐसे पेशेंट को आइसोलेट नहीं कर देना कि आया भाई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसको छोड़ दें. बिल्कुल ट्रीटमेंट है, इसकी एंटीवायरल थेरेपी है, बहुत प्यारा ट्रीटमेंट है. अब तो सिर्फ दिन में आपने एक दफा लेना है, एक महीना लेना है, और आपका ये जो वायरस है ये सप्रेस हो जाता है. ठीक है, ठीक है सर. थोड़ा सा ट्रीटमेंट के हवाले से भी डेफिनेटली बात करते हैं. और जैसे आपने मेंशन किया कि अवेयरनेस देने की जरूरत है, जहाँ पे हम इस बीमारी के हवाले से अवेयरनेस दे रहे होंगे कि अच्छा आपको ये एहतियात करनी है, इन जगहों से हो सकता है. साथ साथ हमें ये भी अवेयरनेस देने की जरूरत नहीं है कि स्टिग्मा नहीं है. बेसिकली आपको उस तरह से नहीं बना देना कि नहीं अब वो इंसान खुदा माफ करे अछूत हो गया या आपने उसके करीब नहीं जाना. सो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए. सर थोड़ा सा सवाल की कह लें कि वैसे बात करते हैं कि किस हद तक खतरनाक है, अगर इन जनरल हम दूसरे पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये कितनी डेंजरस और कितनी हमें एहतियात करने की जरूरत है? मैडम, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इसकी सब मैं दोबारा आपको बताता हूँ. बड़े इसके अंदर मैडम आपकी जो इम्यूनिटी है ना, जो एक आपकी अपनी एक आर्मी है जिसने किसी भी तरह के इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है. आया हम बाहर फिर रहे, हमारा पोल्यूशन है, हम लोग स्किन कॉन्टेक्ट है, हम लोग किसी इन्वायरमेंट में है, हमें फ्लू है, हमें किसी तरह के भी, हमने इस कॉन्टेक्ट को बचाना है. इसने हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देना है. ठीक है, मतलब सर अगर सादे अल्फाज में बात करें, अगर ये हो गया तो इसका मतलब है आपको कोई भी और बीमारी जो है वो बासानी लग सकती है. एग्जैक्टली. इसके अंदर एक मैं एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जिस तरह एक लास्ट प्रोग्राम मैडम आपके साथ हुआ था, हमने फ्लू को डिस्कस किया था. जी जी. अपना जिसके अंदर मैंने इनफ्लू वैक की एक वैक्सीन बताई थी. जी जी. हमने इसी तरह के पेशेंट को हर तरह की वैक्सीन लगवा दी. जिस तरह हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आ चुकी है, हमने उसको हेपेटाइटिस बी से बचाना है.
क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, हमने उसको इन्फ्लू वैक लगवाना है, हमने उसको निमोनिया की वैक्सीन, हमारी जितनी भी वैक्सीन है हमने उस पेशेंट को बूस्ट अप करना है कि आया कोई कोमॉर्बिडिटी इस पेशेंट को डैमेज ना करे। ठीक है, ठीक हो गया, मतलब किसी और बीमारी की वजह से उसको कोई मसला ना हो जाए। सर आज के दिन के हवाले से खास बताइएगा कि आज के दिन के हवाले से किस तरह से इसको मनाना चाहिए, अगर इंडिविजुअली हम बात करें ना कि हमने अपना सबने अपना इनपुट देना है, तो हम किस तरह से उसको कर सकते हैं आज के दिन के हवाले से? मैडम सबसे बड़ी चीज तो आपकी सोशल मीडिया है, अवेयरनेस, यही जो गवर्नमेंट के 3-4 प्रोग्राम है, ठीक है, 3-4 जो इनके इनिशिएटिव है, प्रिवेंशन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, सर्विलेंस है, रिड्यूस उसकी स्टिग्मा है, ट्रेनिंग ऑफ दी हेल्थ वर्कर्स है, रिसर्चेज है, हम इन चीजों को फोकस करते हुए सोशल मीडिया से आज हर बंदे को मेरे ख्याल में स्टेटस लगाना चाहिए, लिख के लगाना चाहिए कि ये कोई स्टिग्मा नहीं है, डर नहीं है, चुप करके जाके अपनी स्क्रीनिंग कराएं। 50 रुपए में 100 रुपए में ये स्क्रीनिंग हो जाती है, किसी भी जगह से आप किसी फार्मेसी से जाके ये किट खरीद सकते हैं HIV की, कि अगर आज मैं पूरा पाकिस्तान अगर आज स्क्रीनिंग कर ले अपनी, उसको आइडिया हो जाए कि जनाब क्या मैं इस चीज से अभी तक हुआ तो नहीं, क्या मुझे मेरे अंदर ये HIV वायरस आया तो नहीं, तो वो अपने आप की आज से ही अगर प्रोटेक्शन शुरू कर दे, हम नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स हम इससे आजाद हो जाएंगे। ठीक है, ठीक हो गया। और सर वो जो एक बात कही जाती है कि नहीं ये लाइलाज है और इस तरह से लोग ज्यादा डरना शुरू हो जाते हैं, शायद वो भी हमारे यहाँ कम हो जाएगी। सर अब ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं थोड़ा सा, एक तो थोड़ा सा आपने मेंशन कर दिया ना कि जैसे चूंकि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा सप्रेस्ड है, तो हमें उसकी जितनी भी अदर देन दैट जितनी भी वैक्सीनेशन है, जैसे फ्लू के लिए हो गया वो वैक्सीनेशन लगवाने की जरूरत है, HBV वायरस है उसकी वैक्सीनेशन लगवाने की जरूरत है, तो उसके अलावा इसका ट्रीटमेंट का प्रोसेस किस तरह से चल रहा होता है? ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी लोग क्यों इससे डर रहे होते हैं? मैं बताता हूँ मैडम, ये आपके फोरम से ही पहले इसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा था, ठीक है, 1986-87 से इसका इनिशिएटिव है, 2003 में पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भी आ गए, 2009 में दोबारा उन्होंने इसको किया है, ट्रीटमेंट इसका एडवांस ट्रीटमेंट आ चुका है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फ्री दे रही है। अच्छा। फोर वीक्स का, 1 महीने का ट्रीटमेंट है, उसके अंदर एंटीवायरल, दिन में सिर्फ आपने एक गोली खानी है, ठीक है, उसके बाद आपका सारा पूरा महीना उसने आपका HIV वायरस को सप्रेस कर देना, जब वो वायरस सप्रेस रहेगा आपकी बॉडी में, उसकी जब स्क्रीन हो गई, एलाइजा हो गया उसका, तो वो रहेगा आपकी बॉडी में, लेकिन वो उस तरह का डेंजरस नहीं है जिसने जाके आपकी बॉडी को इफेक्ट करना है, दूसरी इम्यूनिटीज जो है जो किसी भी हवाले से है, वायरस की, किसी और की, बैक्टीरियल की, उनको वो सप्रेस नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, मतलब खत्म नहीं होगा, लेकिन ये है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो इफेक्ट करने की वो कुव्वत है, वो कम हो जाएगी वायरस की। ठीक है, ठीक हो गया। सर ये ट्रीटमेंट कितने टाइम तक चलता है? एक तो आपने बताया ना 1 महीने का होता है, 4 हफ्ते के लिए। ये मैडम पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, ठीक है, एज डिपेंडेंट होता है, यंग पेशेंट्स का हो रहा है, न्यू बॉर्न का हो रहा है। सर थोड़ा सा फिर इस हवाले से डिटेल में बता दीजिए, किस तरह से वेरी कर रहा होता है, ये भी कैसे पता चलेगा कि यंग पेशेंट्स का हो रहा है या फिर अगर न्यू बॉर्न है, इन्फेंट्स उनका हो रहा है? मैं बताता हूँ मैडम, ऐसा है कि कोई भी न्यू बॉर्न पेशेंट या एडल्ट, वो कोई भी हमारी कोमॉर्बिडिटी जैसे इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, वो उससे प्रॉन नहीं होते, ठीक है। अब आफ्टर 40-50 उनके अंदर थोड़ी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कोमॉर्बिडिटीज, ठीक है। वो कोमॉर्बिडिटीज का जो भी पेशेंट होगा, किसने उसकी इम्यूनिटी को सप्रेस करना है, जब उसने इम्यूनिटी को सप्रेस किया तो उसकी जो पहले डायबिटीज कंट्रोल में थी, जो उसका हेपेटाइटिस बी कंट्रोल में था, जो उसका हेपेटाइटिस सी कंट्रोल में था, वो कंट्रोल में नहीं होगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने दोनों सूरत हाल को देखनी है, हमने हेपेटाइटिस सी को भी देखना है, उसका ट्रीटमेंट भी लॉन्ग हो सकता है, एक हेल्दी एडल्ट है, सिर्फ उसको HIV वायरस है, उसके अंदर सिर्फ उस पेशेंट को एड्स है, तो उसका ट्रीटमेंट बड़ा शॉर्ट होगा, ठीक है। और जो सर जैसे आपने एक पर्सन को बताया जो कि 40 प्लस है या 50 प्लस है, या जिसको कोमॉर्बिडिटीज हैं, अदर डिजीजेस भी हैं, तो सर उसका कितना लॉन्ग प्रोसीजर चला जाता है? मैडम उसकी जो इसका ट्रीटमेंट है वो हद पहले 4 वीक्स का इनिशियल ट्रीटमेंट है, उसको हम वेरी करके इसको 2 मंथ्स तक आगे लेके जा सकते हैं। जो मेन चीज है मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, जो उसके साथ रेलिवेंट कोई और डिजीज चल रही है, इसने तो अपना HIV वायरस को हमने सप्रेस कर दिया, उसकी इम्यूनिटी जितनी बूस्ट अप हम कर सकते थे करके हमने इसको सप्रेस कर दिया, जो उसकी अदर डिजीजेज हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, फिर हम इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। अच्छा, आया उसको सिम्टम्स हो, हाइपरटेंशन, तो उसको हम वेरी करते करते इस पेशेंट को, लेकिन इसमें वो नहीं है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इसको फर्स्ट फेज में इस वायरस को आया, हमें अर्ली डायग्नोज हो गया, लेट डायग्नोज हो गया, हम इसको
कर सकते हैं, उसके बाद जो दूसरी कोमॉर्बिडिटीज है हमने उसको कंट्रोल करना होता है। ठीक है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर साथ आपके कोमॉर्बिडिटीज है तो उनको भी हमें साथ में कंट्रोल करना होता है, इसलिए वो वेरी कर जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इन्फेंट्स के वाले लॉन्ग ट्रीटमेंट हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से उनके लॉन्ग ट्रीटमेंट हो जाते हैं। थोड़ा सा इन्फेंट्स के हवाले से भी बताइएगा, क्या उनमें भी सेम होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कम्प्रोमाइज होता है ना, कम्प्रोमाइज तो नहीं होता, खैर उनका वीक होता है ना, क्योंकि वो डेवलप कर रहा होता है। अब यही चीज के इन्फेंट्स में किस तरह आता है एचआईवी वायरस, चलो एडल्ट्स में तो ये हो गया पेशेंट की रेजर यूज होने से ब्लड ट्रांसफ्यूज सबसे बड़ी है तो उसके ये ये मदर से बच्चे में आ जाता है, इन्फेंट में आ जाता है, न्यू बॉर्न में आ जाता है। अगर एक मदर इन्फेक्टेड है, अगर उसका हस्बैंड इन्फेक्टेड है, फिर मदर इन्फेक्टेड है, तो फिर उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन से उसके उसकी ब्लड की वजह से उसके बेबी में आ सकता है। ठीक है, मतलब प्लेसेंटा क्रॉस कर जाता है ये। एग्जैक्टली ठीक है, तो ये कहीं भी कोई कॉन्टेक्ट हो, ब्लड कॉन्टेक्ट हो, हमें उसके अंदर रहना है। जिस तरह भी ये बात आपने बड़ी अच्छी की है, इन्फेंट को न्यू बॉर्न बेबी है, हम देख लेते हैं, हैप्पी हो जाते हैं कि जनाब ये बच्चा हमारा बच्चा जी हेल्दी है, लेकिन हम नहीं देखते कि इसके फादर को एचआईवी तो नहीं था, इसकी मदर को तो एचआईवी नहीं है। यस, फिर हमने जाके बेबी को देखना है। ठीक है, ठीक हो गया। सर ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी क्या हो रहा होता है? नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू नहीं होता, सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है सर, थोड़ा सा इसकी वैक्सीनेशन के हवाले से बताइएगा, जैसे फ्लू है उसकी वैक्सीनेशन है, या बाकी जितने भी हेपेटाइटिस की टाइप्स हैं उनके वायरसेस हैं उनकी वैक्सीनेशन है, तो क्या इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, तो क्या उस पर काम हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वैक्सीनेशन की कितनी जरूरत है, सारे सवाल थोड़े से डिटेल के हवाले से बताइएगा। बिल्कुल आप सही कह रही है मैडम, इसकी वैक्सीन नहीं, इस पे वाकई काम हो रहा है, सिर्फ यही रह गया जो डेंजरस, जिस तरह आपने स्टार्ट ही इस चीज से किया था, क्या चीज है जिसकी वजह से ये एड्स बढ़ता जा रहा है, वो यही है कि राइट नाउ टिल टुडे इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। अगर इसकी वैक्सीन होती हम इसको कंट्रोल कर सकते थे, जिस तरह कोविड आया, कोरोना आया, तो हम इसको कंट्रोल कर गए हैं वाया उसकी वैक्सीन से। इसकी अभी तक इस पे काम है, वेरी सून इसकी भी वैक्सीन इंशाल्लाह मार्केट में होगी। अच्छा इंशाल्लाह सर, मतलब इस पे चल रहा है काम, हो रहा है इसकी वैक्सीनेशन पे काम। यस। ठीक है, ठीक हो गया सर। थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इसको पूरी जो हमने भी डिस्कशन की इसको थोड़ा सा समअप करें, ताकि लोगों के लिए मजीद आसानी हो जाए, थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में। एक तो वैसे अवेयरनेस के हवाले से भी साथ साथ बताते चले, थोड़ा सा प्रिवेंशन के हवाले से कि लोगों को अपने एंड पे क्या काम करना है, और वैसे भी अगर अवेयरनेस दें तो हम किस तरह से दे सकते हैं, और फिर आज के दिन के हवाले से बताते चले कि आज के दिन स्पेसिफिक क्या कर सकते हैं। आज 1 दिसंबर जी हमारा एड्स वर्ल्ड एड्स डे होता है, हम लोगों ने इसके अंदर अवेयरनेस देनी है, लोगों को एड्स बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। वर्ल्ड एड्स डे पे हमें क्या मतलब है कि 1 दिसंबर को, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इस दिन एड्स का एक दिन है ये। ठीक है, जिस तरह कोरोना जिस दिन पहले सबसे पहले आया था उसका एक दिन है, इस तरह एड्स का एक दिन है, हमें पता होना चाहिए। जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उन लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक एड्स एक बीमारी है, और ये वो बीमारी नहीं है जिसको आप देख के डर जाएं कि आया इससे हमारी अल्लाह माफ करे मौत हो जाएगी, कुछ हो, ये वो नहीं है, ये इलाज है, इसका इलाज है, ये ला इलाज नहीं है। कुछ लोगों ने कोई जो लोग नहीं होते अनएजुकेटेड या लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग, वो लोग डर जाते हैं कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसका वाकई ट्रीटमेंट है। हम लोगों ने इसके अंदर एक तो प्रिवेंशन करनी है, घर में प्रिवेंशन करनी है, बाहर प्रिवेंशन करनी है, और हम लोगों ने इसके अंदर अवेयरनेस देनी है दूसरे लोगों को। अगर एक फैमिली में एक मोहल्ले में किसी बंदे को एड्स हो गया है, हमने छूत नहीं समझना कि इतना इस तरह से नहीं है ये। यस, छूत नहीं समझना, उसको आइसोलेट नहीं कर देना, उसका कमरा अलग नहीं कर देना, हमने उसकी उसको देख के, हमने एग्जांपल देख के अपने आप की पूरे मोहल्ले ने, पूरे घर ने, पूरी गली ने, उसको देखने के बाद उसको कहना है कि जनाब आज से हमने अपनी जो शेव किट है वो अलग करनी है, हमने ब्यूटी पार्लर किट अलग करनी है, हमने अपना टूथब्रश अलग करना है। ठीक है, इसके अलावा खा पी सकता है, हमारे साथ रह सकता है, कपड़े यूज कर सकता है, टॉवल यूज कर सकता है, खाना भी खा सकते हैं, लोग तो बहुत ज्यादा उससे भी इतराज करना शुरू हो जाते हैं, बर्तनों से भी कुछ नहीं होता। यस, ये क्लियर है ना, मतलब कि सिर्फ बेसिकली ब्लड के थ्रू हो रहा होता है, ब्लड में जितनी ब्लड से रिलेवेंट जितनी भी चीजें आ जाती है पॉलर्स की बात की। सर अक्सर ऐसे होते हैं कि नेल कटर्स भी हम एक दूसरे के इस्तेमाल करते हैं घर में, बाज़ औक़ात बल्कि अमूमन घरों में ऐसे होता है कि एक ही नेल कटर होता है जो पूरे घर वाले इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो सर उसके हवाले से भी खास तौर पर बताइएगा, क्या नेल कटर्स भी सबको अपने अपने रखने चाहिए, क्योंकि हो सकता है ना कि गलती से किसी को कट लग जाए और उसको हुआ और वही नेल कटर आप इस्तेमाल कर रहे हो और अगले बंदे को भी हो जाए। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सेम इसी तरह ब्यूटी पार्लर्स में इनकी किट्स होती हैं मैनिक्योर की और पेडिक्योर की। हाँ जी। कोई भी जो
लोगों पे यूज हो रही होती हैं, वो किसी तरह का भी, जिस तरह अगर हमारे स्किन के ऊपर कहीं चोट लगे और थोड़ा सा ब्लड आ जाता है, हमारी स्किन के अंदर भी ब्लड होता है, अगर वो आया वायरस किसी पेशेंट का या जो ब्यूटी पार्लर पे पहले आया था उसका, इतना वायरस पे डेंजरस है, वो उस पेशेंट नेक्स्ट वाले को स्टरलाइज प्रॉपर नहीं करते ये इंस्ट्रूमेंट्स, इन लोगों को आगाही नहीं होती, पॉलर्स को आगाही नहीं होती, अगर वो किसी को कर बैठे, वो अगला पेशेंट जो नेक्स्ट 5 ईयर्स है, 10 ईयर्स के बाद उसको एड्स डायग्नोज हो जाता है, वो सोचता ही रहता है कि मुझे क्या हुआ है, वो ये नहीं सोचता कि मैंने स्टार्ट से अपनी शेविंग किट या पार्लर किट मैंने अलग क्यों नहीं की। ठीक है, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और आज के दिन खास तौर पर हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज का दिन बड़ा अहम है एड्स के हवाले से, जिसमें अवेयरनेस बड़ी जरूरी है और लोगों को ये बताना बड़ा जरूरी है कि लाइलाज बीमारी नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज बेसिकली होता है क्या है कि आपकी इसमें ये डिजीज क्या कर रही होती है, एड्स करके होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा वीक बना देता है, तो हम इसको लाइलाज कहना शुरू हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरह की अद्वियात मौजूद है जो कि आपका जो इम्यून सिस्टम वीक होता है उसको वापस बहाल कैसे करती है, जो बैक्टीरिया या जो वायरल इन्फेक्शन हुआ होता है उस वायरस को, उसकी जितनी भी इंटेंसिटी उसको कम कर दिया जाता है और ये उस तरह से उसको कोप अप कर रही होती है, तो ऐसा नहीं है, लाइलाज नहीं है इसका, डेफिनेटली है, वैक्सीनेशन पे ऑलरेडी काम हो रहा है, अवेयरनेस साथ साथ हमें ये देने की जरूरत है कि आप जो ब्यूटी पार्लर्स में जा रहे होते हैं या हम बार्बर्स के पास जा रहे होते हैं तो वहां पे हमें थोड़ी सी प्रोटेक्शन की जनाब जरूरत होती है। अभी फिलहाल हमारे साथ हमारे नुमाइंदा से न्यूज के मौजूद हैं साजिद मुनीर साहब, जो कि चिन्नौर से हमारे साथ मौजूद है, वहां पे गांव है जो कि पूरे के पूरा गांव मुतासिर हुआ है एड्स के हवाले से, एड्स की वजह से, उस हवाले से पूछेंगे इनसे। जी साजिद मुनीर साहब बताइएगा। पाकिस्तान भर की तरह चिन्नौर में भी एड्स का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। चिन्नौर का एक गांव 127 चाक भट्टी वाला है, यहां पर आज से 2 साल कबल जो है ये गांव जो है ये एड्स का गढ़ बन चुका था, कई अमवात भी यहां पर वाकया हुई जिसके बाद यहां पर खौफ व हरास की एक फिजा पैदा हो गई। जब मीडिया ने इस चीज़ को हाइल लिया तो उसके बाद हुकूमत पंजाब और जलई जो महकमा सेहत चिन्नौर है उन्होंने ऐसे इकदाम किए कि जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो बेहतरी बाद में देखने को मिली। मेरे साथ इस वक्त सीओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आके मौजूद हैं, मजीद इनसे पूछते हैं। सर आज से 2 साल कबल चाक नंबर 127 भट्टी वाला में एड्स का जो है वो वहाँ पर काफ़ी शिद्दत इख्तियार की जिसके बाद आपकी जानिब से इकदाम किए गए, तो एक तो ये बताइए कि एड्स किस तरह वहाँ पर फैला और फिर क्या इकदाम किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज चूँकि वर्ल्ड एड डे है, हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड डे मनाया जाता है, जिसका मकसद अवाम में आगाही पैदा करना कि इस मूजी बीमारी से कैसे बचना है। जहाँ तक चक नंबर 127 भट्टी वाले का ताल्लुक है, तब मैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हुआ करता था, ये 2 या 3 साल पहले की बात है, हमें वहाँ से कुछ केसेज रिपोर्ट हुए, वहाँ पर हमने कैंप किया, अपना स्क्रीनिंग टेस्ट किया तो उसमें से कुछ केसेज रिपोर्ट हुए, उन केसेज के फिर हमने PCR भेजे तो वो एक क्लस्टर था कुछ पेशेंट्स का, उसके तनाजर में वहाँ पे हमने एक डिस्पेंसरी कैंप का कर दी जहाँ फिलेंथ्रोपिस्ट थे एक, उन्होंने हमें वहाँ पे अपना घर दिया, वहाँ पे हमने वमन मेडिकल ऑफिसर डिस्पेंसर एक क्लास फोर का बंदा लगा दिया, साथ साथ पूरा जो गांव था वहाँ पे हमने हेल्थ एजुकेशन सेशन किए, स्कूल एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइजर और लेडी हेल्थ सुपरवाइजर लेडी हेल्थ वर्कर्स के जरिए अवाम में यह आगाही पैदा की ये बीमारी कैसे फैलती है और इसे कैसे बचना है। इसके अलावा जो इर्द गिर्द और उस एरिया के क्वैक्स थे उन तमाम को सील किया, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए, साथ साथ जो वहाँ पे बार्बर्स से जो विलेजर्स बार्बर्स होते हैं उनको हमने ये सेफ्टी किट्स दी, बार्बर्स किट्स दी, उनको ये बताया कि किस तरह हर दफ़ा शेप पे आप नया ब्लेड इस्तेमाल करें, और जो हमारी डिस्पेंसरी है वो अभी भी वहाँ पे है, और इस तरह हमने वो जो एक केसेस का क्लस्टर रिपोर्ट हुआ था उसको काबू पा लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस तनाजर में हमारे DHQ हॉस्पिटल में एक एड्स कंट्रोल सेंटर भी बन गया है जहाँ पे पेशेंट्स को मुफ्त ऑफ़कॉस्ट दवाई मिलती है, वहाँ पर अगर कोई मरीज़ इस तरह रिपोर्ट होता है तो रजिस्टर्ड होता है और उसका वहाँ पे प्रॉपर इलाज करता है। जहाँ तक एड्स के फैलाव का ताल्लुक है तो ये चूँकि अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो तो उससे होता है, तो ये मेरी एडवाइस है, बल्कि ये होना भी चाहिए कि हमेशा अपने जीवन साथी तक महदूद रहें। इसके अलावा जो मुख्तलिफ हजाम है अगर वो एक ब्लेड यूज़ कर रहे हैं उससे फैल जाता है, साथ साथ स्पेशली जो IV यूज़र हैं जो नशे हजरात हैं जो एक सिरिंज के साथ इंजेक्शन लगाते हैं ये बड़ा इसके फैलाव का सबब है। इसके अलावा अगर आप कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर वो डायलिसिस है दांत निकलो जी बिल्कुल पाक। बहुत शुक्रिया साजिद मुनीर साहब आपका, थैंक यू सो मच जनाब। यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद करेंगे आपसे बात, देखते रहिए पाकिस्तान के साथ।
वॉच द शो। आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ खुश आमदीद कहते हैं। और आपको पता है कि हमारा शो इंटरटेनमेंट के बगैर तो खत्म हो नहीं सकता। जहां पे हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं वहां पे आपको इंटरटेनमेंट भी दे रहे होते हैं, इसलिए हमारे शो का नाम है इंफोटेनमेंट। अभी बात की हम लोगों ने एड्स के हवाले से, फिर उससे पहले हमने स्मोक के हवाले से बात की, तो इन्फॉर्मेशन की और जो सीरियस गुफ्तगू बहुत ज्यादा कर ली। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और आज के इस सेगमेंट में हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी सिंगर मौजूद हैं, मून परवेज साहिबा शो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मून। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मून। बड़ी अच्छी लग रही हैं आप आज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज मून थोड़ा सा आपके करियर के हवाले से ही बात करते हैं। पहले आगाज बात का हम इसी से कर लेते हैं कि आपने अपने करियर का आगाज कहाँ से किया और आज कैसे किया। मैंने अपने करियर का जो आगाज था वो किया जब मैं 6th क्लास में थी, तब मैंने सीखना स्टार्ट किया। और उसके बाद फिर मैंने करते 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 जब मैं मैट्रिक में गई तो मैंने पहला शो किया गुजरांवाला। अच्छा। में और उसके बाद फिर कंटिन्यूसली फिर मैंने आउट ऑफ कंट्री के टूर्स किए, फिर पाकिस्तान में भी काम किया और आज इतनी देर के बाद 7 न्यूज में बैठी हुई हूँ मैं। अरे दैट इज ग्रेट। सो मतलब आपने 6th जमात से ही शुरू कर दी थी सिंगिंग? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि मैंने क्लासिकल गाना सीखा और अच्छा। कुछ क्योंकि मेरे साथ अनायत अली खान साहब हैं, वो पटियाला घराना से बिलोंग करते थे, हामिद साहब के और असद साहब के ताया थे। तो आई एम लकी कि मैं आज उनकी शागिर्द आपके सामने बैठी हूं। अरे दैट इज सो ग्रेट। अच्छा तो 6th क्लास से अभी तक फिर कितना टाइम हो गया आपको सिंगिंग करते हुए? आई थिंक 12-15 इयर्स। अच्छा 12 से 15 साल हो गए। बिल्कुल। तो अभी फिर आपका कोई गाना सुन लें फिर वापस आके आपसे गुफ्तगू कर रहे होंगे। चलें ठीक है जी। मून का एक प्यारा सा गाना कंटिन्यू करते हैं जनाब। मून से डेफिनेटली गाना भी सुन रहे होंगे और साथ में उनसे पूछ भी रहे होंगे कि क्या करियर उनका कहाँ तक पहुंचा है और आगे उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उस वाले से बात करेंगे। लेकिन साथ साथ चूंकि गाने सुनना भी इंपॉर्टेंट है ना, ये एंटरटेनमेंट का सेगमेंट खास तौर पे आप लोगों के लिए इसलिए होता है कि हम आपको साथ साथ इनके जितने भी गाने होंगे वो भी सुना रहे होंगे, साथ उनके करियर के हवाले से बात करेंगे और दोनों चीज़ें एक साथ चल रही होंगी। और इनसे गाना सुनेंगे जनाब मेरे रक्षे कमर, यही गाना आई गेस जी, यही सुनेंगे जी। मून प्लीज
देखकर ये लड़ाई मजा आ गया मेरे रश के कमर 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 मेरे रश के कमर 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 That is so great. Moon, आपकी आवाज़ तो बहुत ही खूबसूरत है. बहुत मजा आया आपसे गाना सुन के. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. तो आप कितना ज्यादा कितनी प्रैक्टिस कर रही होती हैं जिसके आपको नतीजे में इतनी खूबसूरत आवाज मिली है? मतलब बहुत ज्यादा रियाज कर रही होती हैं क्या? ये मैं जब छोटी थी तब मैं काफी ज्यादा प्रैक्टिस करती थी. अच्छा. 2000 में मेरे उस्ताद जी की डेथ होगी. अच्छा. उसके बाद फिर कंटिन्यूसली उसको करना पड़ा, बट उतनी प्रैक्टिस नहीं कर सकी जितनी 2006 से पहले करती थी. पहले चार चार पांच पांच छह छह घंटे कर रही हूँ. अच्छा, एक दिन में? हाँ, एक दिन में. अच्छा, अच्छा. और स्कूल गोइंग थी, एकेडमी, फिर कारी साहब, फिर उस्ताद जी, ये मेरी रूटीन वर्क था पहले. अच्छा, तब स्कूल के टाइम पे इस तरह से चला करता था, फिर उसी का सिला अभी? हाँ, नजर आ रहा है. ऐसे ही है, ऐसे ही है. और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अभी चले जी, मैं ये कहती हूँ कि मैं किसी के सामने शायद अच्छा गा सकूँ, अच्छा परफॉर्म कर सकूँ, क्योंकि आजकल ट्रेंड जो है वो यही है कि गाने के साथ जो है आपका थोड़ा सा हिलना जुलना, थोड़ी सी मूवमेंट, थोड़े से एक्सप्रेशन जो है वो बहुत जरूरी होते हैं आपके लिए. ये तो है. तो अभी करंट प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं? कोई नया गाना आ रहा है या किसी पे काम हो रहा है कुछ प्रोजेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है. दो तीन मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, दो तीन गाने किए हैं. एक तो मैंने ऑन एयर किया हुआ था अपना एक गाना मेरा था डीजे वाला, और दूसरा जो है मेरा एक छल्ला है. और इसी तरह चंद गाने हैं जो लाइन अप हैं. अभी एक एक वन बाय वन हम लोग वीडियोस करेंगे इंशाल्लाह. अच्छा. और आजकल जो है आपको पता है कोरोना भी है और एक नया वायरस भी आ, की वजह से काम जो था पहले बड़ा अच्छा जा रहा था, बट अभी उसकी वजह से हम लोग काफी पीछे हो गए थोड़ा सा काम. बिल्कुल ऐसी है, और वो तो दुनिया के साथ एक चीज है ना, सभी के साथ ऐसे चल रहा है. और फिर नया वेरियंट भी डेफिनेटली आ गया है, उससे भी हमें डेफिनेटली एहतियात करने की जरूरत है. अच्छा, अभी कुछ ये प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, और अभी तक कितने गाने हैं जो अभी तक आप कर चुकी हैं? आई थिंक मैंने कभी काउंट नहीं की है. अच्छा, इतने सारे कर लिए कि काउंट नहीं? नहीं, एक्चुअली जब आप काम कर रहे होते हैं, काम इतना बर्डन आ जाता है आप पे कि आप सोचते नहीं है, आप देखते नहीं है कि आप कितने गाने कर रहे हैं. बट मेरा ख्याल है अगर मैं ये कहूँ कि 15 से 20 गाने मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं, मैं उस पर काम भी कर रही हूँ या मैं उसको उसकी वीडियोस कर रही हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि ये इससे कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा ही होंगे. अरे दैट इज सो ग्रेट. तो फिर इसी के साथ आपका गाना सुन लेते हैं. तो उर्दू में तो हमने एक सुनी ली है, एक पंजाबी में अगर आपका गाना हो जाए तो. बिल्कुल जी, बिल्कुल. ठीक है, ठीक होगा जनाब. अगला गाना मून से सुनते हैं, एक पंजाबी का गाना जो है आपको उर्दू में.
girls, we the queen to be. We can take it, break it, make it. We can tell when you fake it. Sway the box on the beat, so take it, take it, take it. ग्रेट, ये तो बहुत ही एनर्जेटिक गाना था. आई गॉट एनर्जी एज वेल. बहुत मजा आया मून. थैंक यू मून. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. डेफिनेटली हम और भी आपसे सुन रहे होते गाने. अभी गुफ्तगू का भी बहुत मजा आ रहा था. अभी आपके साथ भी बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन टाइम चूंकि हमारे पास वेरी शॉर्ट बहुत कम है. वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो आपसे जाते चाहेंगे. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. लेकिन जाते हुए आपसे एक आखिरी गाना भी सुन रहे होंगे. और जनाब, आप सब लोगों से भी हम इजाजत चाहेंगे. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच आज हमारे साथ हमारी इस एपिसोड में रहने के लिए. इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज. और आखिर में मून का गाना.